वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे, शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और वीकेंड है आज तो बहुत सारे प्लान्स भी होंगे। सब वीकेंड अच्छा हो जाए हमारी कोशिश यही होती है, और हमारी कोशिश इस तरह से कामयाब होती है कि हम आपको सुबह सुबह थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, थोड़े अच्छे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च भी लेकर आते हैं दुनिया भर से। जनाब आप आर्टिस्ट जो हैं, हम कहते हैं कि उसकी कोई बॉर्डर या कोई सरहद नहीं होती, और हम उसी फॉर्मूला पर अमल करते हुए बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं इंटरनेशनली काम कर रहे हैं उनको लेकर आते हैं। जनाब ऐसा ही कुछ है कि आप बच्चों को देखते हैं, इवन मैं तो खुद भी डिज्नी जो कार्टून्स है वो बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे एल्सा इस तरह के फ्रोजन के कार्टून्स बहुत पसंद है, और जब आप लोगों से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। लेकिन आप आर्टिस्ट को जब इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है तो डेफिनेटली वो कैनवस पर उतारने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही आर्टिस्ट के हवाले से हम आपको बताने वाले हैं। जनाब ये है एक अमेरिकन आर्टिस्ट जो डिज्नी कैरेक्टर्स को ऑयल पेंटिंग के थ्रू अपने कैनवस पर उतारते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग बनाती है। इनका कहना है कि वो डिज्नी वर्ल्ड को बहुत आइडियलाइज करती है और इस पर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। नो डाउट बहुत सारे फनकार अपने अपने अंदाज में इसको जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड उन्होंने कहा मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहती, बल्कि मेरा एक अपना अंदाज है जिसके थ्रू मैं इसको बना रही हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अमेरिकन आर्टिस्ट हैं जनाब, और कितनी कामयाब है अपने इस फन में ये तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इनके आर्ट पीसेज हैं। और पता लगे इसमें आपको मुलान भी नज़र आएगा, फ्रोजन की एल्सा भी नज़र आएगी, आना भी नज़र आएगी, और रैपंज़ेल, सिंड्रेला, ये सारे करेक्टर्स जो हैं उन्होंने ऑयल पेंटिंग्स के थ्रू बनाए हैं। तो डेफिनेटली ये जो स्किल है इनका बहुत ज़बरदस्त है, और सोशल मीडिया हमेशा से एक आसान प्लेटफॉर्म है कि आपके अंदर कोई भी स्किल है आप उसको अपलोड करें और दुनिया भर से लोग उसको देखते हैं, इनकरेज करते हैं, और आपकी भी पब्लिसिटी हो जाती है जिसके कोई पैसे भी नहीं लगते। लेकिन फेसबुक अब खासा चलाक हो चुका है ना, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है जनाब, इसके साथ साथ अगली रिसर्च हमारे पास होने वाली है, दुनिया का खतरनाक तरीन झूला। अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा, मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा खौफजदा होती हूँ कि मैं कोई स्विंग या इस तरह की चीज़ें लगती, लेकिन ये जब मैं सुबह रिसर्च पढ़ भी रही थी और मेरे टीम मेंबर्स मुझे बता रहे थे तो मैंने देखकर वाकई बंदे का दिल दहल जाता है। जनाब अमेरिकन एक स्टेट है जिसमें एक जो हिली एरिया वहाँ पर ये राइड लगाई गई है माउंटेन पार्क में, और आपकी ज़िंदगी का सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है इस राइड पर बैठना, क्योंकि यहाँ पर आपको तकरीबन 100 मील फी घंटा की रफ्तार से एक पहाड़ की चोटी से जो है 200 फुट नीचे भेजा जाता है बहुत ही रफ्तार के साथ, और बहुत दिल जिगरे का काम है क्योंकि यहाँ पर तो एक आम सी राइड में बैठने में बंदा इतना खौफज़दा होता है, और बहुत सारे लोग एडवेंचरस होते हैं, उनको शौक होता है और वो डेफिनेटली ये शौक पूरा करते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कि वहाँ पर जो लोग हैं वो इस चीज़ को, इस राइड को इंजॉय करें। तो डेफिनेटली ये बहुत ख़तरनाक झूला है, तो आपको बहुत ध्यान से, मेरे ख्याल से ये जो इंटरनेशनली इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें वो आपसे कोई साइन वाइन भी कराते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन आप यहाँ पर कुछ देर तक तो आप हवा में लटके रहते हैं, उसके बाद आप एक नदी के ऊपर से गुजरते हैं और वापस अपने आप पोजीशन पर आ जाते हैं। तो ये ख़तरनाक झूला है जो हमने आपको उसकी क्लिप भी दिखाया। हम कहते हैं अभी हम बहुत सारे जो शोज़ हैं मैं उसमें डिस्कस करती हूँ कि आजकल की जो हमारी जनरेशन है समेत मेरे, हम फोकस्ड नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमने करना क्या अपनी ज़िंदगी के साथ। हम सोचते हैं जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद हमारी कोशिश होती है, अच्छा जॉब में हम किसी के अंडर नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बिज़नेस कर लेते हैं। बिज़नेस के लिए तजर्बा बहुत ज़रूरी होता है, और जब तजर्बा नहीं होता तो खुदा ना खासा आपको नुकसान भी हो सकता है। अब हम आज डिस्कशन ये करने वाले हैं कि आपकी पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, जॉब या आपका बिज़नेस, और बिज़नेस के लिए भी फर्दर कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए, क्योंकि कामयाब बिजनेसमैन के लिए बहुत सारे जो लवाजमात हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे मुनव्वर अबादुल्ला जो कि बिजनेसमैन है। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर ये मैंने पहली जो बात की कि आजकल की जनरेशन फोकस्ड नहीं है, क्या ये मैंने ठीक कहा है? किसी हद तक ठीक है। आपसे हम जानेंगे, आप चूंकि एक बिजनेसमैन है, आपको भी स्ट्रगल डेफिनेटली एक कामयाबी तक पहुंचने की बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ा सा हम जानेंगे कि किस तरह का आपका माइंडसेट था या आप कितने फोकस थे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, मैं आई गेस आई वाज वेरी फोकस्ड इन द सेंस कि मुझे एक तो मुझे पता था कि आई एम मिसफिट हियर, तो मुझे यहाँ से जाना है, तो उस लिहाज से आई मेड अ मूव, आई वेंट टू मलेशिया। तो उसके बाद मुझे ये भी पता था कि आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आई डोंट वांट टू बी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ कोर्स प्रोफेशनल आपको कुछ अर्सा तो काम करना पड़ता है, बट आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल फ्रीडम आई वांटेड टू हैव इन माय लाइफ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आई वाज वेरी फोकस्ड इन दैट रॉट।
ऑफ कोर्स फिर डी टूर्स तो होते रहते हैं जहाँ तक आप पहुँचते हैं। अच्छा, अभी हम जानना चाहेंगे कि आजकल की हम अगर जनरेशन को देखें तो ज़्यादा रुझान या रेशों गए जॉब की तरफ आती है या बिजनेस की तरफ। देखिए, इसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान में थोड़ी सी तब्दीली आ रही है, जैसे स्टार्टअप्स का एक नया कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ है पाकिस्तान में। असल में क्योंकि हमारी एजुकेशन का जो सेटअप है वो काफ़ी पुराना है, वो इंडस्ट्रियल टाइम का है, 100 ईयर्स ओल्ड जो ब्रिटिश सिस्टम था उसके तहत बनाया गया एक निज़ाम है, जिसमें एक्चुअली वो प्रोफेशनल या इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मोस्टली लोग जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, दे डोंट स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। और बिजनेस ना स्टार्ट करने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो जो हमारी बिजनेस मॉडल रिफाइनमेंट नहीं हुई पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जी, कैपिटल एक्सेस नहीं है, राइट। तो उसके बाद ट्रेनिंग नहीं है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, और जो हमारी लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे अमेरिका में लोकल बॉडीज हैं जो आपको प्रमोट करती हैं, आपको ट्रेन करती हैं, जी वो नहीं है हमारे वहाँ, फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से शायद उतना रुझान नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है ये तब्दील हो रहा है, इस पर और काम करने की जरूरत है, और मीडिया को भी ग्लोरीफाई करना चाहिए बिजनेसमैनों को, आर्टिस्ट को तो आप करते ही रहते हैं। नहीं सर, हमने ये कोशिश की है ग्लोरीफाई करने की, डेफिनेटली। अच्छा, हम अगर स्टार्टअप्स की आप बात करें, एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं कुछ स्टार्टअप्स के लिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इवन या जो प्रोफेशनल जो जॉब नहीं करना चाहते वो कोशिश भी करते हैं। जैसे आपने कहा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उन लोगों के लिए कि वो भी इनकरेज हों इसके लिए? पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो जो स्कूलिंग है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ ये जो रट्टा लगा के पास करने का जो कम्प्लीशन बेस एक मॉडल है, इसको ख़त्म करके हमें मास्टरी बेस्ड मॉडल लेके आना, जैसे जर्मन मॉडल है। जर्मन मॉडल में अप्रेंटिसशिप है, आपको वो सिखाते हैं, कुछ हुनर सिखाते हैं, और जैसे जैसे आप हाई स्कूल, आप अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वैसे अगर जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है उसमें है 15 साल की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे यहाँ नहीं है 15 साल की एजुकेशन, हमारे यहाँ तकरीबन 10 साल की एजुकेशन है, 10 से 12 साल के दरमियान में लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा हल होता है जो जर्मन मॉडल है कि अप्रेंटिसशिप करवाई जाए, आप अर्ली एज में आप उनको स्किल्स सिखा दें, ताकि वो या तो अपना कोई अच्छा रोजगार कर सकें या कोई अच्छी कोई भी किसी न किसी जगह पे। तो एक तो बिजनेस, पहले तो सबसे पहले एजुकेशन का जो हमारा मॉडल है उसको फिक्स करने की जरूरत है, दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। फिर दूसरे नंबर पर यह है कि उनको ट्रेन किया जाए कि अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपने स्मॉल बिजनेसेस की तरफ जाएं। इवन आप अमेरिका में देखें तकरीबन 86% जो बिजनेसेस हैं वो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जहाँ पे सिर्फ 5 के करीब एम्प्लॉयज होते हैं एवरेज, तो हमारे यहाँ वो रुझान नहीं है। और फिर तीसरी चीज़ जो मैंने अभी बताई, कैपिटल जो एक्सेस है वो नहीं है हमारे मुल्क में, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ तो लोन्स चाहिए इवन टू स्टार्ट अ बिजनेस, हम लोग ऐसे भी हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इस चीज़ में भी कुछ काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है। अच्छा, अभी आप स्टार्टअप्स के लिए कह रहे थे गाइडेंस होती है, फॉरम्स होते हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल के बाद ही बच्चा इस तरफ आता है कि उसने बिजनेस करनी है या जॉब करनी है। यूनिवर्सिटी में भी कोई काउंसलिंग सेशंस नहीं होते या काउंसलर्स नहीं होते जो इनको कैरियर काउंसलिंग करें, तो इस हवाले से क्या करेंगे? देखिए, अभी जो ट्रेंड है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ तब्दील हो रहा है, लेकिन वो हाई टेक जो सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, आईटी के जो स्टार्टअप्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान का चैलेंज हाई टेक सॉल्यूशंस जो प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम नो टेक में है कि हम जो चीज़ें हमारे अर्ली स्टेज में होनी चाहिए, एक तो ट्रेनिंग है जो सबसे मिसिंग पार्ट है, राइट, वो नहीं है, राइट। तो अगर स्कूल्स, देखें अगर कुछ लोग कॉलेज तक जा ही नहीं पाते तो आप उनको कैसे ट्रेन करेंगे हाउ टू डू द बिजनेस, राइट। तो उनके लिए प्राइवेट वर्कशॉप्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे छोटे लेवल पे सिखाएं, एंटरप्रेन्योरशिप को सिखाया जाए, को बिजनेस माइंडसेट क्रिएट किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब करने का माइंडसेट है, हाँ, बिजनेस माइंडसेट नहीं है, ये सबसे बड़ा एक लैक। देखें ना, अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम है, एवरीबॉडी इज चेजिंग अमेरिकन ड्रीम, राइट, टू बी अ मिलियनेयर इज एवरीवन, हाई स्कूल से उनको मिलियनेयर ड्रीम शुरू हो जाता है, राइट। सो वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ आवर यूथ। अच्छा ठीक है, आपके हमारे से जानने के, क्योंकि स्ट्रगल डेफिनेटली हर बिजनेसमैन के लिए होती है, अब तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ी जो आपको लगता है कि अब आने वाले जो बच्चे हैं जो बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए क्या चैलेंजिंग होगा? देखिए, जो मैं प्री इंटरनेट एरा से हूँ, राइट, तो प्री इंटरनेट एरा में बड़े चैलेंजेस थे। अगर मैं ह्यूस्टन टेक्सास में होता तो उस वक्त ऊबर नहीं थी, तो आपको यू हैव टू वॉक फॉर 8 miles टू फाइंड टैक्सी स्टैंड कहाँ है, राइट। तो अब वो चैलेंजेस नहीं है, जो हमारी नई जनरेशन है, ऊबर इंटरनेट होने की वजह से, फेसबुक होने की वजह से, गूगल होने की वजह से, यू कैन गूगल एनीथिंग, यू कैन फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन। सो
एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज वेरी इजी एंड इज चीप राइट. पहले जमाने में वो चीजें नहीं थी. इफ यू वांट टू समथिंग यू कैन गूगल इट, यू कैन यूट्यूब इट, यू कैन फिगर आउट. ये तो एक प्लस पॉइंट है आज के दौर में. लेकिन जो माइनस पॉइंट है वो हाइपर कंपेटिटिवनेस है. लेकिन अगर कोई बिजनेस आप ऐसा करना चाह रहे हैं जो लोकल है तो ठीक है. लेकिन अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व है तो फिर यू आर कम्पीटिंग विद चाइनीज, यू आर कम्पीटिंग विद रशियंस, यू आर कम्पीटिंग विद ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. तो फिर वहां पे टैलेंट की कमी जो हमारे मुल्क में है वो फिर चैलेंज नजर आती है. टैलेंट की स्किल गैप है हमारे यहाँ राइट. अगर आप HID इंडेक्स को HDI इंडेक्स को देखें तो उसमें हम बहुत लोअर नंबर पे हैं. हम 146 पे थे और अब हम 150 पे चले गए. तो दैट्स अ वेरी 180 में से अगर हम 150 पे हैं तो आप सोच लें कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्टैंड करें. अच्छा, अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बताएंगे किस तरह से आपने स्टेबल किया, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं, आप मलेरिया गए, वहाँ पर उसको प्रॉपर स्टार्टअप किया, वहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहा और यहाँ का कंपेयर किया जाए. नहीं, मैं मलेशिया स्टडीज़ के लिए गया था, वहाँ से फिर मैं अमेरिका चला गया. तो रेस्ट ऑफ मेरा बिजनेस अभी भी अमेरिका में. आई लिव इन अमेरिका एंड बिजनेस इज आल्सो इन अमेरिका. तो अमेरिका में देखिए चैलेंजेस वहाँ पे हैं. अगर मैं यहाँ से जाता हूँ और जैसे मैंने कहा कि वी आर फ्रॉम प्री इंटरनेट एरा, तो उसमें जो चैलेंजेस तो थे. और फिर उसके बाद आपको पता है 9/11 हो गया, बहुत बड़ा सानिया था. उसके बाद सर्वाइवल इज वेरी चैलेंजिंग. और फिर उसके बाद मार्केट क्रैश हो गई 2008 में. तो चैलेंजेस हमेशा रहेंगे जिंदगी में. ये कभी नहीं होता कि आप चैलेंज फ्री हो जाएं, चाहे आप अमेरिका में हो चाहे पाकिस्तान में. ठीक है, तो चैलेंजेस आते रहते हैं. यू लर्न हाउ टू मैनूवर फ्रॉम दोस चैलेंजेस दैट मेक यू सक्सेसफुल. लवली लवली. अच्छा, अभी आजकल के जो हम दौर की बात करें, पाकिस्तान में जैसे आपने कहा काउंसलिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, स्किल है, टैलेंट है, लेकिन उसको जो एक पॉलिश करना है उसके लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है. तो डेफिनेटली जो बिजनेसमैन यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, क्या उनके थ्रू इस तरह से चीज़ें एनहांस हो सकती हैं? देखें, बहुत सारे पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं. मैं खुद भी बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, और मुख्तलिफ फोरम्स पे मैं जाके अपनी पार्टिसिपेट करता रहता हूँ. बहुत सारे और पाकिस्तानी भी हैं जो अमेरिका से आ रहे हैं या इंग्लैंड से आके यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. लेकिन जितनी उसको बढ़ाया जाए उतना अच्छा. देखें, गवर्नमेंट पॉलिसी तो एक तरफ है, हमारी नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें सब लोग शामिल हों, प्राइवेट सेक्टर भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर भी हो, और जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी भी कंट्रीब्यूशन हो. अगर हम उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें गवर्नमेंट लेवल पे किसी हद तक, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान में आके. जाहिर है हमने कुछ नॉलेज, अमेरिका आखिर बिजनेस में आगे है, उनकी मल्टी बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज हैं, एप्पल देख लें. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर साहब. और हमने मेरे ख्याल से वो कोशिश की है थोड़ी सी नहीं, ये लोगों को प्योरिफाई किया जाए इसका. थैंक यू सो मच. जी आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे.